यूट्यूबर अगस्त ने 294 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ाई थी बाइक। एक्सीडेंट के पहले का वीडियो आया सामने। उत्तराखंड के चर्चित यूट्यूबर अगस्त चौहान की 3 मई को यमुना एक्सप्रेसवे पर एक हादसे में मौत हो गई। इस हादसे की जिस बात ने सभी को चौंकाया था वो थी बाइक की स्पीड। दावा किया गया कि हादसे के वक्त बाइक की रफ्तार बहुत ज़्यादा थी। हादसे की सच्चाई जानने के लिए पुलिस को अगस्त चौहान के शरीर पर लगे बॉडी कैमरे की तलाश थी, जो अब बरामद कर ली गई है। वहीं बॉडी कैमरे को बरामद करने के बाद पुलिस ने हादसे को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। बता दें कि देहरादून के यूट्यूबर बाइक राइडर अगस्त चौहान की 3 तारीख की सुबह यमुना एक्सप्रेसवे के 47 माइल स्टोन पर एक्सीडेंट में दुखद मौत हो गई थी। अगस्त उस समय अपनी मोटरसाइकिल से काफ़ी तेज ड्राइविंग कर रहे थे और उनकी बॉडी कैमरा भी लगा हुआ था, जो 360 डिग्री पर मूव कर सकता था। पुलिस को ये कैमरा घटना के 2 दिन बाद झाड़ियों से बरामद हुआ है। वीडियो में अगस्त चौहान 294 किलोमीटर की रफ्तार से बाइक को ले जाते हुए दिखाई दिए हैं। साथ ही बीच बीच में वह अपने दोस्तों से बात भी कर रहे हैं, जो उसके साथ दूसरी बाइक पर चल रहे हैं। ये जानकारी आई सामने। इस मामले पर अलीगढ़ के एसएसपी काली निधि नैथानी ने बताया कि 3 मई को जनपद अलीगढ़ पुलिस को थाना टप्पल क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक की एक्सीडेंट से यमुना एक्सप्रेसवे पर मौत हो गई है। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए छानबीन की गई तो ये पाया गया कि ये युवक देहरादून का रहने वाला अगस्त चौहान है, जो कि वीडियो ब्लॉगिंग करता है। इस संबंध में ये भी पता चला कि इस युवक द्वारा बॉडी कैमरा पहना गया था, जिसको अथक प्रयास से पुलिस द्वारा आसपास छानबीन करके निकाला गया है। उस कैमरे में ये पता चला कि इनके द्वारा 294 किलोमीटर की रफ्तार से घटना से पहले हिट की गई थी, जो कैमरे में दिखाई दे रहा है। इस संबंध में अभी भी पुलिस की जांच आगे जारी है। इसके साथ ही एसएसपी कला निधि नैथानी ने लोगों से ओवर स्पीड में बाइक न चलाने की भी अपील की है। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए छानबीन की गई तो पाया गया कि यह युवक देहरादून का रहने वाला अगस्त चौहान है, जो कि वीडियो लॉगिंग करता है और अक्सर 300 प्लस की स्पीड को हिट करने का टारगेट अपने वीडियो में दर्शाता है, जिसको लोग जो हैं रोचक रूप से इंटरेस्ट लेते हुए उन वीडियोस को देखते हैं। इस संबंध में यह भी पता चला कि इनके द्वारा एक वीडियो बॉडी वॉर्न कैमरा पहना गया था, जिसको अथक प्रयास से पुलिस द्वारा आसपास छानबीन करके निकाला गया है। और उस कैमरे में यह पता चला कि इनके द्वारा 294 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड घटना के कुछ देर पहले जो है वो हिट की गई थी, जो उसमें दर्शाई गई है। और इस संबंध में अभी भी पुलिस की जांच आगे जारी है। और इसमें यह भी बता दें, रोड सेफ्टी के एंगल से मैं कहना चाहूँगा कि अक्सर युवक इस तरह की स्पीड को रोड पर अपनाते हैं, जो कि एक जोखिम भरा कार्य है। इन्हीं हाईवेज पर कई लोग अपने परिवार के साथ, जिनमें महिलाएँ भी होती हैं, वृद्ध भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, निर्धारित गति से उसमें चलते हैं और उन लोगों को भी इस तरह की जो हरकतें हैं इससे काफी परेशानी होती है। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।